तो हेलो गाइस यार, मैं हूं शानू पटेल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो मैंने भी भाई ये स्कूटर बुक करवाया था 15 अगस्त को, एंड यही कलर मैंने बुक करा था, नियो मिंट करके कुछ इस कलर का नाम है, जो कि इन पर्सन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये कलर एज़ कम्पेयर टू मैट कलर। यहाँ पे मैट कलर्स भी है बट इतने ज़्यादा वो अपीलिंग मेरे को नहीं लगे एज़ कम्पेयर टू ये जो ग्लॉसी कलर है। तो यहाँ पे भाई मैं आपको इतने ज़्यादा फीचर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है शूट वूट करना, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके टेस्ट ड्राइव रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ये जो वीडियो है वो टोटली इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपको इसके कोई भी फीचर जानने हो या कुछ भी जानने हो तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो, बट यहाँ पे मेरे को कोई अलाउ नहीं है इसको शूट करना तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बट यहाँ पे हम डेफिनेटली इसकी जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ज़रूर हम टेस्ट आउट करेंगे। अगर बात करें कलर्स ऑप्शन की तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेरायटी मिल जाती है, आपको 10 डिफरेंट कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। बट हाँ, अगर आप भाई S1 प्रो लेते हो तो ही आपको 10 कलर्स मिलेंगे, बट अगर आप S1 लेते हो तो आपको सिर्फ ग्लॉसी कलर जो होंगे वही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर बात करूं मैं मेरे स्कूटर की तो भाई मैंने भाई S1 बुक कराया है, मैंने S1 प्रो बुक नहीं कराया है क्योंकि भाई मेरा कोई इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है। अगर बात करें इसके मोटर के स्पेसिफिकेशंस की तो आपको यहाँ पे 8500 वॉट की मोटर देखने के लिए मिल जाती है। एंड बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको ओला S1 प्रो में आपको 3.9 किलो आवर की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको रेंज निकाल के दे देती है 181 किलोमीटर की। एंड ओला S1 प्रो की टॉप स्पीड है 115 एंड ओला S1 की है कुछ 105 के अराउंड, ठीक है। अगर बात करें इसके आपको कैसे आपको इसको परचेज कर सकते हो तो आपको एक ओला की आप जो ऑफिशियल ऐप है जो कि जिससे हम टैक्सी वैक्सी बुक करते हैं उसी ऐप में आपको इसका एक दिख जाएगा बैनर, वहाँ से आप इसको 499 देके बुक कर सकते हो। एंड जैसे ही आप इसको बुक करोगे उसके थोड़े टाइम बाद ही आपको एक दूसरा मैसेज आएगा कि आप इसको 20,000 देके आप अपनी जो डिलीवरी डेट है वो कंफर्म कर सकते हो। तो ऑलरेडी एक बार मेरे को वो मैसेज आया था 20,000 वाला, बट उस टाइम मैंने 20,000 पे नहीं किया था क्योंकि भाई मेरे को देखना था कि अगर भाई मैं 1 लाख दे रहा हूँ तो डेफिनेटली उस व्हीकल को एक बार मैं टेस्ट आउट ज़रूर करूँगा, इसके बाद ही मैं कुछ लेने की सोचूंगा। तो अभी मैं एक बार जैसे कि मैंने अभी देखा तो फिट एंड फिनिश वाइज बहुत ही बढ़िया लुक है और बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको मैं परचेस तो ज़रूर करूँगा। तो अभी मैं वेट करूँगा कब तक मेरी जो विंडो वो है वो पॉपअप होगी एंड देन मैं 20,000 पे करूँगा, उसके बाद ही मेरी जो डिलीवरी डेट है वो कन्फर्म होगी। अगर बात करें कलर्स की तो आपको यहाँ पे एक मैट ब्लू कलर दिख रहा है और ऑलरेडी मैंने आपको एक बार मैट ग्रे और मैट ब्लैक कलर भी दिखा दिया। यहाँ पे कलर्स की बात करें टोटल 4 कलर मेरे को देखने के लिए मिले, ये एक मैट ब्लैक है एंड अपना एक मैट ग्रे एंड मैट ब्लू एंड वो अपना नियो मिंट। तो यहाँ पे भाई मेरा जो नंबर है वो आ चुका है, अभी मैं टेस्ट आउट करूँगा कि कैसी परफॉर्मेंस है इस ओला S1 प्रो की। तो चलिए अभी सीधा टेस्ट आउट करते हैं। एंड हाँ गाइज, इसमें आपको 7 इंच की फुल्ली टच डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर है, तो जब भी भाई अपना व्हीकल जो होगा तब आएगा तभी हम टेस्ट आउट कर पाएंगे क्योंकि ये लोग तो भाई हमको कुछ ज़्यादा शूट करने नहीं दे रहे, तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। एंड चले अभी सीधा ड्राइव करते हैं। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल ड्राइव कर रहा हूँ इसको नॉर्मल मोड में, एंड जैसे कि आप देख सकते हो जिस इसका जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही कम है नॉर्मल मोड में, इतना ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं होता अपना नॉर्मल स्कूटर के से भी कंपेयर करूँ मैं तो उससे भी कम है, बट डेफिनेटली अभी इसको एक बार स्पोर्ट्स मोड में भी डाल के देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको फुल एक्सेलेरेट करता हूँ एंड देखता हूँ कैसी परफॉर्मेंस है नॉर्मल मोड में। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं देख सकता हूँ कि इनिशियल में तो थोड़ी दिक्कत है बट मिड पॉइंट जो इसका है वो थोड़ा पावरफुल है, अभी इसको स्पोर्ट्स में डालते हैं। ओ भाई यार, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको पावर देखने के लिए मिलती है स्पोर्ट्स मोड में, तो डेफिनेटली गाइस इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर भाई आपका पिलियन बैठा होगा ना वो डेफिनेटली वो नीचे गिर जाएगा, इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड में इसकी इसके पावर है। तो मैं परफॉर्मेंस वाइज तो भाई बहुत ही हाईली इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर तो मैंने आज तक किसी बाइक में भी इनिशियल स्टेज में फील नहीं किया, क्योंकि डेफिनेटली भाई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसका जो टॉर्क होता है इनिशियल टॉर्क वो बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अपना पेट्रोल व्हीकल गिन लो। तो डेफिनेटली यार परफॉर्मेंस वाइज तो 100 आउट ऑफ 100 है ओला S1 प्रो को, तो आई गेस S1 की भी जो होगी परफॉर्मेंस वो भी ऐसी ही होगी, एज सच कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अगर बात करें S1 में तो आपको सिर्फ 2 ही मोड मिलते हैं, एक नॉर्मल एक स्पोर्ट्स मोड ही मिलता है, पर मैं तो भाई स्पोर्ट्स मोड में ही खुश हूँ, मेरे को हाइपर मोड में जाना भी नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें अभी जो हाइपर मोड है वो लॉक है, अभी इसको अनलॉक नहीं किया गया है ओला की तरफ से, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड में मेरे को पावर बहुत ही बढ़िया फील हो रही है, तो हाइपर की तो भाई बात ही छोड़ दो।
तो ओवरऑल भाई ड्राइविंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा, मैं बहुत ही हाईली इंप्रेस हूँ इस ओला S1 प्रो के साथ। एंड आई नो गाइस कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि यार यहाँ पे हमको शूट नहीं करने दे रहे थे इसी वजह से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। Keeps elevating me.